ये दोस्तों आज हमारे सामने खड़ी है ऑल न्यू टोयोटा ग्लैंजा 2024 एंड दोस्तों ये है आपकी मारुति बलिनो का रिवाइज वेरिएंट, यानी इसको टोयोटा ने ग्लैंजा नाम से लॉन्च किया है। बाकी दोस्तों कार देखने में काफ़ी अच्छी है एज इट इज़, लगभग बलिनो जैसी एंड बट इसमें आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। एंड दोस्तों ये है ग्लैंजा का बेस मॉडल ई एंड इसके बाद दोस्तों आपको मिलता है एस, एस के बाद आएगा दोस्तों वी एंड इस ग्लैंजा में दोस्तों आपको CNG का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही बात करें ट्रांसमिशन में तो आपको मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में ये कार आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यह रहेगी आपकी 5 सीटर कार। सो इस कार से रिलेटेड कोई भी बुकिंग क्वायरी आपको करनी हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अनंत टोयोटा ग्वालियर को। शोरूम के डिटेल्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे इसका ऑन रोड प्राइस, एक्स शोरूम प्राइस एंड आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं बेस वेरिएंट में। सो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखना एंड कोई भी मन में क्वायरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सो पहले अगर इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो आपका 6.86 लाख रुपीज़ दोस्तों उसका एक्स शोरूम प्राइस है एंड ऑन रोड प्राइस की बात करें तो अप्रॉक्स 7.90 लाख रुपीज़ की आपको गाड़ी देखने को मिलती है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। सो फ्रंट आप बात करें तो फ्रंट में आपको 1745 mm की विड्थ देखने को मिल जाती है। बीच में आपको टोयोटा का लोगो मिलता है क्रोम के साथ, काफ़ी शानदार लगता है। लाइट सेटअप आपको मिलता है प्रोजेक्टर में, इंडिकेटर मिलेंगे आपको हैलोजन बेस्ड एंड साथ में आपको पार्किंग लाइट्स भी मिल जाएगी। फॉग लैम्प का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। थोड़ा दोस्तों आपको इधर फाइबर टच देने का कोशिश किया गया है, मतलब काफ़ी बढ़िया लगता है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है इसमें 170 mm की। फॉग लैम्प चाहे तो आप आफ्टर मार्केट या कंपनी के थ्रू भी लगवा सकते हैं। वाइपर की बात करें नॉर्मल से आपको वाइपर मिलते हैं, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर नहीं है बेस मॉडल में। साथ ही लेंथ जो आपको मिल जाती है इसमें आपको 3990 mm की लेंथ मिल जाती है। टायर साइज़ की बात करें तो आपको 185/65 R15 का स्टील व्हील रिम के साथ टायर साइज देखने को मिलता है। व्हील कैप भी आपको मिल जाएंगे। साइड फेंडर में आपको मिलते हैं टर्न इंडिकेटर एंड ये इसके साइड मिरर जो कि आपको मैट ब्लैक में है। ये आपके ऑटो फोल्डेबल नहीं है बट आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं अंदर स्टिक के थ्रू, ठीक है। ऊपर आपको रूफ रेल्स नहीं मिलती, सनरूफ भी आपको नहीं मिलेगा। बाकी डोर हैंडल्स की बात करें तो वो आपको मिल जाते हैं मैट ब्लैक में। रियर टायर में दोस्तों आपको नॉर्मल ड्रम ब्रेक कंपनी ऑफर करती है। सो फिलहाल अभी आप देख रहे हैं इसकी साइड प्लस बैक प्रोफाइल, ये है इसका फ्यूल लीड एंड 37 लीटर के इसमें आपकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। और बात करें बैक में तो आपको देखिए टोयोटा का लोगो मिलता है और यहाँ पर बात करें ग्लैंजा की बैजिंग, ई की बैजिंग मिलती है। वाइपर नहीं मिलता, डिफॉगर आपको बेस मॉडल में देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया। हाई माउंट स्टॉप लाइट है, नॉर्मल से आपको एंटीना भी मिल जाता है। टेल लाइट यूनिट की बात करें तो देखिए कुछ स्टेप से आपको टेल लाइट यूनिट देखने को मिलता है, काफ़ी स्टाइलिश है एंड काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी दो आपको मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर, दो पार्किंग सेंसर एंड बम्पर की बात करें तो आपको पूरा बॉडी कलर बम्पर देखने को मिलेगा। सो अब बात करेंगे इसके टेल गेट ओपन करने के लिए, रिक्वेस्ट सेंसर आपको दिया गया है, दबाएंगे कुछ स्टेप से ओपन होता है। ग्रैब हैंडल्स आपको दिए गए हैं। पार्सल ट्रे आपको इस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलता क्योंकि बेस वेरिएंट है तो पार्सल ट्रे आपको नहीं मिलेगी। बाकी बूट स्पेस की बात करें तो लगभग 350 से 400 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस देखने को मिलता है। जो भी दोस्तों कंफर्म बूट स्पेस होगा मैं आपको डाल दूंगा कि कितना इसमें बूट स्पेस आपको मिल जाएगा। तो डीप बात करें तो काफ़ी डीप है एंड स्टेपनी व्हील ये रहा। टायर साइज मिलता है 185/65 R15 का स्टील व्हील रिम के साथ, यानी सेम टायर साइज आपको देखने को मिल जाएगा। तो बूट में किसी भी टाइप की आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी। चलिए इसको भी करते हैं बंद। ड्राइवर साइड डोर की बात करें, डोर हैंडल मिलते हैं आपको मैट ब्लैक में एंड ये है इसका डोर ट्रिम, काफ़ी शानदार है। फैब्रिक आपको दिया गया है, फैब्रिक दिया गया है, बाकी हार्ड प्लास्टिक है, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी है। नीचे आपको स्पीकर भी नहीं मिलेगा, बोटल स्पेस मिल जाता है। बाकी चारों पावर विंडो कंट्रोल्स बेस मॉडल में, डोर ओपनर एंड मिरर सेट करने हैं तो आप बाहर से उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं, स्टिक भी आपको नहीं मिलेगी। बाकी सीट हाइट एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलता है, मैनुअल आपका वेरिएंट रहेगा। यहाँ आपको बोनट ओपन करने के लिए एंड फ्यूल लीड का बटन दिया गया है। साथ ही यहाँ देखें तो ट्रैक्शन कंट्रोल, एडिट स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन एंड ड्यूअल टोन का आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा, काफ़ी शानदार लगता है। एक बार आपको सीट बताता हूँ तो सीट भी दोस्तों आपको ड्यूअल टोन की मिल जाती है जो कि ब्लैक एंड बेज कलर की है। हेडरेस्ट को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया आपको इसमें इंटीरियर मिल जाता है। यह है अभी इस ग्लैंजा ई का इंटीरियर, बेस मॉडल का इंटीरियर। कहीं से भी दोस्तों आपको देखने में बेस मॉडल का इंटीरियर नहीं लगता, काफ़ी अच्छा आपको फील आने वाला है। एंड स्टीयरिंग व्हील की बात करें देखो थोड़ा सा फ्लैट है एंड लेदर रैप तो नहीं है बट ठीक है। और बात करें एडजस्टमेंट की तो देखो तो टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलेगा। यहाँ मिलते हैं आपको लाइट के कंट्रोल्स, वाइपर कंट्रोल्स एंड यह है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि आपका रहता है एनालॉग, काफ़ी शानदार। इस यहाँ मिलता है आपको RPM मीटर,
स्पीडोमीटर, बीच में आपको डिजिटल डिस्प्ले भी मिल जाती है। तो कौन कहेगा दोस्तों कि ये आपका बेस मॉडल है, सब कुछ तो आपको देखने को मिलता है, बट आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता, वो चाहे तो आप आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं। तो ये आपको इसकी पूरी हाउसिंग मिल जाएगी जो कि आपकी दोस्तों मैट ब्लैक में है, एंड ये पूरा पैनल, ये वाला पैनल आपको मिलता है दोस्तों ग्लॉसी ब्लैक, ये आपको मिलता है बीज कलर, हार्ड प्लास्टिक। एसी की बात करें तो आपको देखिए ऑटोमेटिक एसी मिलता है बेस वेरियंट में, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है, 2 कप ग्लास होल्डर, एंड ये रहेगा आपका 5 स्पीड मैनुअल वेरिएंट प्लस मैनुअल हैंड ब्रेक, कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा, काफ़ी बढ़िया है। बाकी रियर भी मिरर एडजस्ट करना है तो आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ बात करें तो सनवाइजर अच्छी क्वालिटी का है, इधर बात करें तो वैनिटी मिरर नहीं बट क्वालिटी काफ़ी अच्छी। ग्रैब हैंडल्स आपको देखिए सॉफ्ट क्लोजिंग मिल जाएंगे। ओवरऑल कुछ स्टेप से आपको इसका इंटीरियर मिल जाएगा, देखने में काफ़ी शानदार है। बाकी आपको कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो बात करें इसके पीछे वाले डोर पैनल की, तो ये देखिए डोर ट्रिम कुछ इस टाइप से फैब्रिक अपोस्ट्री के साथ पूरा मिलता है, बाकी हार्ड क्वालिटी है। पावर विंडो कंट्रोल्स, स्पीकर आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कोई भी इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम देखने को नहीं मिलता। एंड ओवरऑल ये है इसका रियर वाली सीट जो कि दोस्तों आपकी 60-40 में स्प्लिट हो जाती है, एंड 3 हेडरेस्ट मिलते हैं जिन्हें आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी ड्यूअल टोन की आपको सीट मिलती है, आइसोफिक्स आपको सीट भी मिल जाएगी। एक बार कार के अंदर चलते हैं। सो डैशबोर्ड की व्यू की बात करें तो कुछ इस टाइप से आपको व्यू आने वाला है। ऊपर दोस्तों देख लीजिए आपको कैबिन लाइट्स मिल जाती हैं, ग्रे हैंडल मिलते हैं, सॉफ्ट क्लोजिंग, एंड नी रूम काफ़ी बढ़िया, सीट थोड़ी सी आगे कर दी मैंने, बट नी रूम आपको अच्छा खासा मिलता है। थाई सपोर्ट थोड़ा सा आपको लेग मतलब कम मिलेगा, बट ठीक है मैनेज कर सकते हैं इतना। बाकी पीछे आपको देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, वॉल रखने का स्पेस है, मतलब ऑलमोस्ट सारी आपको फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएंगी। ऊपर सनरूफ वगैरह आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ओवरऑल कुछ इस टाइप से मिलती है। इसकी सीट वगैरह क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों बहुत बढ़िया आपको मतलब क्वालिटी देखने को मिलने वाली। देखिए 3 हेडरेस्ट में एडजस्ट कर सकते हैं, पीछे पार्सल ट्रे वगैरह आपको नहीं मिलेगा। सो दोस्तों आपको कैसा लगा इसका इंटीरियर डैशबोर्ड आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस ग्लेंजा में आपको जो 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, एंड इसमें आपको CNG वेरियंट भी देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आपका ये है पेट्रोल वेरियंट। बाकी अगर इसके पावर फिगर की बात करें तो 88 BHP एंड 113 Nm का टॉर्क ये कार आपको प्रोड्यूस करके देती है। एंड एवरेज की बात करें तो सिटी में दोस्तों 17 से 18 का एवरेज, एंड हाईवे की बात करें तो 22.35 KMPL के इसमें आपको अच्छा खासा एवरेज देखने को मिल जाएगा पेट्रोल वेरिएंट में। CNG की बात करें तो 30+ का दोस्तों इसमें आपको एवरेज देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों ये है आपका कंप्लीट बैकग्राउंड ऑफ ऑल न्यू ग्लेंजा 2024 बेस वेरिएंट ई। एंड इस कार से रिलेटेड कोई बुकिंग क्वायरी करनी है आप तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अनंत टोयोटा को। सो ये आपका था कंप्लीट बैकग्राउंड। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड जुड़े रहे हमारे साथ ऐसी और नई कार की मस्त इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, एंड आपका बहुत थैंक यू वीडियो देखने के लिए।